गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। जमीनी विवाद में शूटरों की मदद से मेडिकल संचालक राम आश्रय मौर्या की करवाई गई थी हत्या। पुलिस ने नामजद अभियुक्तों सहित कुल 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त बुलेट मोटरसाइकिल, एक अवैध पिस्टल और 3 कारतूस की बरामद। डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने किया खुलासा। हुनर हाट में ओडीओपी के उत्पाद पहली बार हुए शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हुनर हाट का शुभारंभ। 4 फरवरी तक चलने वाले हुनर हाट में देश भर के शिल्पकार और दस्तकार हुए शामिल। हुनर हाट के जरिए प्रदेश के शिल्पियों दस्तकारों को योगी सरकार ने उपलब्ध कराया बड़ा मंच। हुनरमंदों को मंच देने के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया के देशों को वैक्सीन बांट रहा है आज का भारत। पहले का भारत होता तो वैक्सीन के लिए भटक रहे होते हम लोग। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, जनपद में 24 से 26 जनवरी तक मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश दिवस। आत्मनिर्भर भारत के तहत आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। शुक्रवार की भोर में कोहरे के कारण आपस में भिड़े दर्जनों वाहन, आधा दर्जन लोग हुए घायल। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घायलों को पहुँचाया जिला अस्पताल। स्थिति सामान्य। खोराबार के जगदीशपुर के पास की है घटना। धर्मशाला स्थित बेयरिंग हाउस में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, लाखों के सामान जलकर हुए खाक। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग बुझाने में झुलसे 4 फायर कर्मी। मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज, स्थिति सामान्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 124वीं जयंती के अवसर पर नौकायन पर युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन। विजयी प्रतिभागियों को डीआईजी रेंज व युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष ने स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सीआरसी में महिला आयोग एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा जनपद गोरखपुर में महिलाओं के लाभार्थ 2 दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का किया गया शुभारंभ। महिलाओं से संबंधित विभिन्न संचालित योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई 25 जनवरी को आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तैयारी बैठक। नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ मतदाता शपथ दिलाने के दिए निर्देश। असुरन पोखरा पर बने मधुसूदन कॉलोनी के नागरिकों ने भूमि मालिक के साथ एसडीएम सदर गौरव सिंह सौगरवाल से की मुलाकात। भूमि मालिक ने तहसील सदर में ही 2 स्थानों पर भूमि देने का रखा प्रस्ताव। एसडीएम सदर ने कहा, कागजों की जांच के बाद होगी कार्रवाई। 29 जनवरी तक हर हाल में चाहिए पोखरे पर अतिक्रमण के बराबर की भूमि। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, उत्साह एवं उमंग के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। लोगों से की अपील। कहा, अपने घरों पर जलाएं दीप। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ कैंट थाने पर संपूर्ण थाना समाधान दिवस। कहा, आए मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई विकास भवन के सभागार में मेधावी एवं गरीब छात्रों को निशुल्क आईएएस और पीसीएस की तैयारी संबंधित बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। परियोजना सलाहकार रोहित की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक। दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सीओ कोतवाली बीपी सिंह की अध्यक्षता में कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस किया गया आयोजित। सुनी गई फरियादियों की समस्याएं, मामलों के निस्तारण के दिए गए आदेश। गोरखपुर में शनिवार को मिले मात्र 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 1 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,369। अब तक 356 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 123वें एक्टिव मरीज सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की पुष्टि। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर वीर सेनानी कल्याण संस्थान के कार्यकर्ताओं ने पेडलेगंज स्थित उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। दी श्रद्धांजलि। कहा, नेताजी के द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर देश को महान बनाने में दें अपना योगदान। और सुभाष चंद्र बोस की 124वीं जयंती के अवसर पर कायस्थ सेना के कार्यकर्ताओं ने पेडलेगंज स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कहा, देश की आजादी में सुभाष चंद्र बोस का रहा है अहम योगदान।